हेलो मेरे बिहार के युवा उभरते हुए नए नए कलाकार, मैं बात करने आई हूं आप लोगों से क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर मैं चिंतित हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भोजपुरी संगीत इंडस्ट्री से और पूरे भोजपुरी समाज से कहूंगी अब तो मैं जुड़ी हुई हूं और एक महिला भी हूं और मेरे व्यक्तिगत जीवन में फिलहाल मैं एक दौर से गुजर रही हूं जहां एक 10 साल की बच्ची के लिए मैं लीगली कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हूं। ये मेरा व्यक्तिगत बात है, लेकिन फिर भी जहां ये लीगल मामला आ जाता है और देश की जो लॉज है चाइल्ड को लेके, बच्चियों को लेके जो लॉ है वो फिर कहीं ना कहीं वो लड़ाई पर पर्सनल लड़ाई नहीं होके ऐसा भी होता है कभी कभी कि आगे जाके ये एक मापदंड भी डिसाइड करता है कि इस केस से ये नियम चेंज हुआ था या इस केस में ये राय दिया गया था। तो इसलिए मैं बात करने आई हूं। हमारे उभरते हुए जो नए नए कलाकार हैं, मुझे पता है ज्यादातर जो वर्ग है बहुत शिक्षित नहीं है। हमारे भोजपुरी कलाकार की मैं बात कर रही हूं जो खासकर उभरते हुए नए नए आर्टिस्ट है, शिक्षा की शायद इम्पोर्टेंस इसलिए भी है। तो ये सब बात जो लेफ्ट राइट आगे पीछे देखना पड़ता है, लीगली समझना पड़ता है, इसलिए जानकारी नहीं होती है। अब बहुत जल्दी से जल्दी जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत माने हुए आर्टिस्ट खेसारी लाल जी की बेटी के ऊपर आपने जो गाया है उसको बहुत जल्द आप माफी मांग के आप हटा लीजिए, क्योंकि आपको शायद चिल्ड्रन राइट्स या चिल्ड्रन चाइल्ड की जो एक्ट्स होते हैं लीगली जो भी लिखा गया है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत कुछ शायद आपको पता नहीं हुआ, नहीं तो आप शायद ये नहीं करते। आप बहुत जल्दी से उसको माफी मांग के हटा लीजिएगा, क्योंकि एक उदाहरण देना चाहूंगी आपको मैं। हमारे भारतवर्ष के बहुत ही माने हुए आर्टिस्ट जो कि आसाम से हैं और उनका नाम मैं बहुत रिस्पेक्ट से लेती हूं, लेकिन अभी मैं फिलहाल उनका नाम लेने से भी कतरा रही हूं। नाम क्योंकि मैं लीगली बहुत कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि मैं किसी के बारे में जब मैं बोलूंगी भी इतना आसान नहीं है किसी का नाम लेके किसी को बेइज्जत करके आप निकल जाओ, इतना आसान नहीं है, क्योंकि लीगली आपको बचना पड़ता है बहुत कुछ बात जब आप पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिएक्शन नहीं देते हैं इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी करके निकल जाओ, ऐसा नहीं है। वो बहुत माने हुए आर्टिस्ट है, एक रियलिटी शो में वो जज रहे हैं और उसी शो में वो, क्योंकि बच्चों का शो था, उसमें प्यार में छोटी बच्ची थी, उन्होंने क्या सोच के क्या नहीं, उन्होंने उसको प्यार इजहार किया था, गाल में ऐसे किस कर लिया था। अभी इस पे तो बात नहीं कर सकते कि उन्होंने बच्ची समझ के क्या क्या नहीं किया, वो एक अलग बात है, लेकिन इन बातों को बहुत अलग अलग दृष्टि से देखा जा सकता है। उस समय ऐसा हुआ दिल्ली की हमारे एक महिला वकील साहिबा ने उनपे उनको पॉक्सो जो चाइल्ड के जो सेक्सुअल एब्यूज पे प्रोटेक्शन का जो भी एक्ट है, बहुत स्ट्रांग एक्ट है, इसमें उनको वो फंस गए थे। और बहुत सारी बात आती है इसमें, ये मेंटली आप किस समय से गुजरते हो, पूरे परिवार की बात आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। तो मैं जो भी बोलने आई हूं आपको, ये लीगली मामला इतना आसान नहीं है कि आप उस बच्ची का नाम लिया आपने, उस बच्ची का फोटोग्राफ यूज किया आपने, परमिशन लिया था फोटोग्राफ यूज करने से पहले। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके माता पिता ही आपको लीगली एक्शन ले सकते हैं, मैं भी ले सकती हूं, देश का कोई भी नागरिक इस पे बात इस मुद्दे पे आपको आपके ऊपर कोर्ट को आपको खसीद के ले जा सकते हैं। तो ये एक सामाजिक मुद्दा है, तो जल्द से जल्द आप माफी मांग के इस पे इसको आप हटा दीजिएगा गीत को। और हमारे बिहार के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, या फिर खासकर मैं आज जो लीगल जो हमारे माननीय लॉयर्स गण हैं उन लोगों से भी मैं इस बारे में बात करने आई हूं कि इस पे एक्चुअली हमसे ज्यादा आप लोग जानकार है, यू आर ऑल प्रोफेशनल्स, एंड इस पे एक कोई किसी की भी 18 साल की कम उम्र की बच्ची का किसी के साथ भी ऐसा आप गाना बना के आपका फोटो यूज करके, एक तरह का मैं तो समझती हूँ ये बलात्कार जैसा ही है, शारीरिक बलात्कार नहीं हो, सेक्सुअल असॉल्ट ये भी है,
दरअसल, क्योंकि उसका उसका चरित्र उसको मैलाइन किया गया, जो भी हो आज वो स्कूल में किस तरह से फेस करे, उसकी जो साइकोलॉजी है वो क्या फेस कर रही होगी स्कूल में, बहुत सारी बातों को सोचना पड़ेगा, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ मुझे इस देश के जहां लॉज है बहुत मैं भरोसा करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और जो हमारे तमाम बिहार से रिलेटेड जो वकीलगण हैं मैं उन लोगों से भी दरखास्त करूंगी इस मामले को सामाजिक मुद्दे की तरह देख के इस पर एक्शन लिया जाए। नमस्कार।